एवरीवन, वेलकम टू मेलवानो ऐप। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट परम्यूटेशन। तो परम्यूटेशन आज के हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। परम्यूटेशन का मतलब, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं, कि अरेंजमेंट। क्या मतलब है अरेंजमेंट? क्या लिखा है यहां पर पढ़ेंगे। देखिए, ईच ऑफ द अरेंजमेंट्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर व्हिच कैन बी मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ द थिंग्स एट ए टाइम इज कॉल्ड परम्यूटेशन। मतलब कि जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी था कि लेट्स से मेरे पास 5 लड़के हैं। कितने लड़के हैं? 5। बोला जा रहा है कि इन 5 में से हो सकता है 3 लोगों को, हो सकता है 4 लड़कों को, या हो सकता है 5 लड़कों को। तो मान लो सपोज 3 लड़कों को, मैं 3 लड़कों को अगर मैं अरेंज करना चाहूं तो कितने तरीके से हम कर सकते हैं वो हमें यहां पर बताना है। प्लस उनका ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है। मतलब हो सकता है कि अगर ये B1, B2 और B4 आपने ले लिए तो इनके अंदर भी आपके पास अलग अलग पॉसिबिलिटी मिलेंगी। यहां पर हो सकता है B1, B4, B2 हो जाए, या हो सकता है यहां पर B2, B1, B4 हो जाए, या हो सकता है आपके पास B2, B4, B1 हो जाए, या हो सकता है आपके पास B4, B1, B2 हो जाए, और B4, B2, B1 हो जाए। तो बेसिकली 3 पॉसिबिलिटी ये हैं, 3 पॉसिबिलिटी ये हैं। तो ये इन 5 लड़कों को लेके मेरे को 5 में से 3 अरेंज करने हैं। ओके, अभी तो मैंने सिर्फ B1, B2 और B4 को लिया है, इनमें से भी तो 3-3 के और पेयर्स बनेंगे ना। तो वही जो तरीके होंगे उसी को हम क्या बोलते हैं? परम्यूटेशन। तो हमें इन 5 में से 3 लोगों को सिलेक्ट किया मैंने। सबसे पहले सिलेक्शन करेंगे, फिर अरेंजमेंट करेंगे, ये चीज़ हम पढ़ेंगे आगे। अभी हमें बस इतना समझना है कि परम्यूटेशन क्या है। तो इन 5 में से या तो मैं ये बोलूँ कि इन 5ों के 5ों को अरेंज कर दो, या इन 5 में से कोई 3 को अरेंज कर दो, या इन 5 में से कोई 4 को अरेंज कर दो। तो इतने जो तरीके होंगे यही हमारे क्या हो जाएंगे, क्या बोलते हैं हम इसको? परम्यूटेशन। क्या बोला जा रहा है? इन परम्यूटेशन ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ थिंग्स इज टेकन इनटू अकाउंट। ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं B1, B2, B4 ले रहा हूं तो यहां B2 बीच में आ रहा है, लेकिन सेकेंड केस में भी B1, B2, B4 ही लिया है, यहां पर B4 बीच में आ रहा है। तो बोल रहे हैं कि ये दोनों केस जो है ना आपको अलग अलग लेने हैं। मतलब ऑर्डर यहां पर इंपॉर्टेंट होगा परम्यूटेशन में। तो क्या बोला जा रहा है? इन परम्यूटेशन ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ थिंग्स इज टेकन इनटू अकाउंट व्हेन द ऑर्डर इज चेंज्ड। जैसे ही आप ऑर्डर चेंज करोगे आपको एक डिफरेंट अरेंजमेंट मिल जाएगा, एक डिफरेंट परम्यूटेशन आपको अलग मिल जाएगा। जैसे ही ऑर्डर चेंज कर देते हो तुरंत परम्यूटेशन दूसरा मिलने लगेगा। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? जनरली इट इन्वॉल्व्स द प्रॉब्लम्स ऑफ अरेंजमेंट। जो परम्यूटेशन है उसमें हमारे जनरली वर्ड्स की प्रॉब्लम आएगी, लेटर्स की प्रॉब्लम आएगी, कि जैसे वोवल्स को, कॉन्सोनेंट्स को ये करो वो करो, उनके साथ बहुत छेड़खानी करनी होती है। फिर क्या बोला जा रहा है कि कई बार आपको लड़का लड़की को एक जगह बिठाना होगा, एक सीट में या एक रो में अरेंज करने के कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हमारे पास बन सकते हैं। तो बेसिकली डिजिट की प्रॉब्लम हो सकती है कि कौन से 5 से डिविजिबल कितने होंगे, इस तरह से अरेंजमेंट वहां पर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो बेसिकली थर्ड पॉइंट में हमें ये आइडिया दिया गया है कि किस किस तरीके से हम लोग परम्यूटेशन को यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, बोला जा रहा है कि NPR, ये जो आप नोटेशन देख रहे हो ना ये नहीं है, ये लिखा हुआ है NP और ये R। ये N जो है ऊपर लिखा हुआ है और R इधर सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। तो NPR जो होगा, दिस डिनोट्स द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ N डिफरेंट थिंग्स। तो जो NPR है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? N डिफरेंट थिंग्स का परम्यूटेशन, कि कितने तरीके से। मान लीजिए मेरे पास N चीजें हैं और उनमें से R चीजों को मुझे अरेंज करना है। N अलग अलग चीजें हैं, उनमें से अगर मैं R चीजों को अरेंज करूं तो कितने तरीके से हम कर पाएंगे? NPR तरीके से कर पाएंगे। कितने तरीके से? NPR तरीके से। इस NPR का जो फॉर्मूला है वो आप ये लिख सकते हो कि NPR इज इक्वल्स टू N फैक्टोरियल अपॉन दिस माइनस दिस, मतलब N माइनस R फैक्टोरियल। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला है ये हमारा किसके लिए? NPR के लिए। तो ये फॉर्मूला हम यहां पर ध्यान में रखेंगे बिल्कुल। अगर मुझे N में से N चीजें अगर अरेंज करनी है तो उसके तरीके निकाल लेते हैं अभी अगली स्लाइड पे। N में से R अगर अरेंज करनी है तो उसका तरीका, N में से 0 अरेंज करनी है तो उसका भी एक तरीका हो सकता है। क्या बोला गया है कि NPN, मतलब N में से N चीजें अगर अरेंज करनी है तो क्या हो जाएगा? N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस N, मतलब 0 फैक्टोरियल, ये बन गया आपके पास N फैक्टोरियल। तो बेसिकली अगर आपको N चीजों को अरेंज करना है तो कितने तरीके से अरेंज करोगे? N फैक्टोरियल तरीके से। नेक्स्ट हमसे बोला गया है NP0। अगर मुझे N में से 0 चीजों को अरेंज करना है तो कितने तरीके से करेंगे?
एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस जीरो फैक्टोरियल, दैट इज जीरो फैक्टोरियल। तो क्या लिखेंगे हम यहां पर, एन फैक्टोरियल, सॉरी दिस इज एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस जीरो, दैट इज एन फैक्टोरियल। तो यहां से एन फैक्टोरियल बाय एन फैक्टोरियल कितना बन जाएगा हमारे पास, वन बन जाएगा। फिर है एन पी वन, मतलब एन में से अगर आपको एक चीज को अरेंज करना है तो कितने तरीके से करेंगे, एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस वन फैक्टोरियल, दैट इज एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना एन। तो ये तरीके यहां पर हम देख सकते हैं, फॉर्मूला भी लगा सकते हो। अगर एन में से आर चीजों को अगर अरेंज करना है तो एन पी आर तरीके से करेंगे, एन में से जीरो को करना है तो एन पी जीरो लगाएंगे, एन के एन को अरेंज करना है तो एन फैक्टोरियल डायरेक्ट भी लिख सकते हो, एन पी एन भी लगा सकते हो। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ एन डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम इज एन फैक्टोरियल। एन सी एन पी एन का मतलब क्या है कि एन में से एन की एन चीजों को हम अरेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, एन पी आर इज ऑल्सो डिनोटेड बाय लाइक दिस, मतलब अगर कहीं कहीं एन पी आर की जगह अगर मान लीजिए कोई बंदा एन पी आर लिखना चाह रहा है तो चाहे तो वो पी एन कोमा आर ये भी लिख सकता है। तो ये और ये दोनों रिप्रेजेंटेशन क्या है, सेम है, एन पी आर को ही रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी इस तरह से लिखा हुआ इसका मतलब इतने में से जो पहले लिखा हुआ है उसमें से इतनों को अरेंज करना है, पहले वाले में से सेकेंड को अरेंज करना होता है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बोला जा रहा है इफ ए डिनोट्स द नंबर ऑफ परमिटेशन ऑफ एक्स प्लस टू थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम। एन थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम का परमिटेशन कितना होता था, एन फैक्टोरियल, तो एक्स प्लस टू के लिए कितना हो जाएगा, एक्स प्लस टू फैक्टोरियल। बी द नंबर ऑफ परमिटेशन ऑफ एक्स थिंग्स टेकन इलेवन एट ए टाइम, मतलब बी जो होगा एक्स थिंग्स में से हम एक बार में कितनी ले रहे हैं, इलेवन, तो ये बन जाएगा मतलब एक्स फैक्टोरियल अपॉन एक्स माइनस इलेवन फैक्टोरियल, ये बन जाएगा यहां पर हमारा बी जो कि आपका यहां लिखा हुआ है ये। फिर क्या बोला जा रहा है, एंड सी द नंबर ऑफ परमिटेशन एक्स माइनस इलेवन थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम, मतलब क्या हुआ कि सी क्या हो जाएगा आपका, एक्स माइनस इलेवन फैक्टोरियल। तो यहां से सी कितना बन गया, एक्स माइनस इलेवन फैक्टोरियल। और बोला जा रहा है कि ए इज इक्वल टू 182 टाइम्स बी सी, तो मतलब ए कितना है हमारे पास, ए रहा ये हमारे पास एक्स प्लस टू फैक्टोरियल इज इक्वल टू 182 टाइम्स, बी कितना है हमारा एक्स फैक्टोरियल अपॉन एक्स माइनस इलेवन फैक्टोरियल, और सी कितना है हमारे पास, सी है हमारे पास एक्स माइनस इलेवन फैक्टोरियल। ये दोनों यहां पर कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या, एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन, इसको मैं एक्सपेंड करके क्या लिख रहा हूं, इंटू एक्स फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते हैं 182 इंटू एक्स फैक्टोरियल, एक्स फैक्टोरियल, एक्स फैक्टोरियल, नो एक्स फैक्टोरियल। तो यहां पर एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन, अगर आप ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से देखना, इस 182 को हम 14 इंटू 13 लिख सकते हैं, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यहां पर यही बन जाएगा, चाहो तो देख सकते हो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 14 इंटू 13, तो मतलब क्या हुआ कि जो ये x प्लस वन है ये 13 के इक्वल होगा, तो x की वैल्यू आप कितनी लिख सकते हो यहां से, 12। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी कि x की वैल्यू आपको इस क्वेश्चन में बतानी थी और वो हमारी कितनी आ रही है, 12। तो बेसिकली ये हुआ हमारा पूरा परम्यूटेशन के बारे में, इसके बाद जो है हम कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। Okay, so this is all about permutation. Rest we'll be discussing in the upcoming lecture. So I hope you did follow this lecture. See you in the next one. Thank you.